बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी, सोया सॉस, राई के दाने, बारीक कटा हुआ प्याज, टोमेटो प्यूरी और बारीक कटे हुए मिर्ची, बारीक कटी हुई धनिया और कुछ मसाले। ये पिसी हुई धनिया है, ये है हल्दी, ये है गरम मसाला, आई मीन सब्जी मसाला जो कि मैं डेली के खाने में यूज करती हूँ, और ये नमक आप स्वादानुसार ले सकते हैं। सूजी बॉल्स बनाने के लिए हम एक ऐसे कंटेनर में पानी चढ़ा देंगे, और ये है ऑयल, इसके ऊपर जो आपको दिख रहा है ऑयल है मैंने डाला हुआ है, ताकि उससे सारी की सारी सूजी बॉल्स सॉफ्ट बनेंगी। और इसमें आप थोड़ा सा नमक भी मिला दीजिए, ताकि उसमें जो नमक का टेक्स्चर रहे वो एक अच्छा तरीके से रहे, ठीक है। और इसको ऐसे मिक्स कर लीजिए, जब ये अच्छे तरीके से इस तरीके जैसे आप भी देख रहे हैं इसमें बॉईल होने लगे, एकदम अच्छे से बॉईल हो जाए, तो इसकी फ्लेम जो है वो लो कर दीजिए। उसके बाद में इसमें हमें ऐड करना है ये सूजी, सूजी को हम लोग ऐड कर लेते हैं, देखिए ऐसे धीरे 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 आप ऐड करते जाइए, ऐड करते जाइए। एक कि इसमें सारी की सारी सूजी ऐड हो चुकी है, तो इसको हम अच्छे से चला लेंगे, और इसको अच्छे से हम लोग ऐसे चलाते ही रहेंगे जब तक कि ये ड्राई नहीं हो जाएगा अच्छे से। अब ये लगभग ड्राई होना स्टार्ट हो गया है, देख रहे हैं, अच्छे से चलाते रहिए इसको ताकि ये सॉफ्ट बने। अब ये हो गया है, अब इसको बंद कर दीजिए, गैस को आप ऑफ कर दीजिए। इसे एक कपड़े से नीचे उतार लीजिए और इसको ठंडा होने तक वेट कर लीजिए। दिख रहा है कि इसमें से भाप निकल रही है, तो इस भाप के पूरे हट जाने तक का हम लोग वेट करेंगे। इधर हम अपनी सूजी बॉल्स को स्टीम करने की तैयारी कर लेते हैं। अगर आपके पास स्टीमर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इस कढ़ाई में आप पानी डालिए, उसके बाद में उसको बॉईल करिए। डाल रही हूँ पानी, थोड़ा सा और पानी डालेंगे। छोटा कप है तो 5 से 6 कप पानी डालिए, और अगर बड़ा कप है तो 2 से 3 कप बहुत है। ऐसी होल वाली थाली होना जरूरी है स्टीम करने के लिए, इसके ऊपर रख देंगे और नीचे से अभी गैस ऑन कर देते हैं, और गैस को अभी हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, या फिर कह दीजिए कि एकदम लो फ्लेम पे रखेंगे। ये बनाने के लिए हम अपने हैंड पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, ताकि ये हमारे हैंड पे चिपके ना। इसको ऐसे ले लेंगे और इसको ऐसे ऐसे गोल इसकी गोलियां करेंगे। इससे ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी, हाँ इसे थोड़ी सी बड़ी आप बना सकते हैं, पर उससे ज्यादा बड़ी बनाएंगे तो फिर वो अंदर जो पकेंगी नहीं सही से, और उनका जो टेस्ट है अच्छा नहीं आएगा, तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मक्के की गोलियां भी बना देंगे। ये सारी सूजी बॉल्स बनके तैयार हो चुकी हैं, अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे। इस पर हम लोग थोड़ा सा ऑयल भी लगाएंगे, दिख रहा होगा हमने इस पे ऑयल लगा दिया है। अब इस पर सारी की सारी सूजी बॉल्स हम एक 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 करके रखते जाएंगे, ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखेंगे, ताकि एक दूसरे से चिपके ना। ऑयल हम इसलिए लगाते हैं ताकि इस थाली पे ये जो सूजी बॉल्स हैं ये चिपक ना जाएं, ऐसे करके एक एक करके हम रखते जाएंगे। अपनी सारी सूजी बॉल्स रख दी हैं, अब इसी के साइज की जो दूसरी एक हम थाली लेंगे और इसको ढक देंगे इसके ऊपर, ताकि जो गैस है वो बाहर ना निकले। और अब मीडियम फ्लेम थी उसको हम हाई कर देंगे, ताकि जो वाटर है अंदर वो बॉयल होना तेजी से स्टार्ट कर दे और ये जल्दी पक जाए। तो वेट करते हैं 15 मिनट का, 15 मिनट में अच्छे से पक जाएंगी और स्पंजी बन जाएंगी। 15 मिनट हो गए हैं, अब चलिए इसको खोल के देखते हैं। ऐसे करके सावधानी से इसको हटा लीजिए ताकि आपके हाथ ना जले। ये देखिए गाइस, आ
इसको चेक करने के लिए कि ये पके हैं कि नहीं, हमें एक चीज करनी पड़ेगी, हमें एक नाइफ लेना पड़ेगा। कोई भी नाइफ आप ले सकते हैं, मेरे पास ये है। इसमें आप ऐसे करके देखिए, और उसमें फंस गया। ओके देखिए, इसमें ये बिल्कुल साफ सा निकला है, इसमें बिल्कुल भी वो चिपका नहीं है। इट मीन्स कि ये पक चुके हैं, तो आप इन्हें हटा सकते हैं इसके ऊपर से। ये हमारी सारी की सारी सूजी बॉल्स रेडी हैं। तो इसमें अब एक हम कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल जैसे कि आप देख रहे हैं ऑयल हीट हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले हम अपना डालेंगे राई का दाना, उसके बाद डालेंगे ये मिर्ची, अपनी बारीक कटे हुए प्याज, और ध्यान रखिएगा कि जो हमारी राई रहे उसको बस थोड़ा सा ही चटकाइएगा, नहीं तो फिर वो अजीब सा टेस्ट देता है। अगर आप इसको ज़्यादा चटका लेते हैं तो वो अजीब सा टेस्ट आने लगता है उसमें। तो अभी इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। कि आप देख रहे हैं गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे, बस गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे अपने जो भी ये मसाले हैं इसमें डालेंगे और अपनी मीडियम कर देंगे। तो अब आगे क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे अपनी टोमेटो प्यूरी। और इसको अच्छे से पका लेंगे। ऑयल है वो बाहर आना स्टार्ट हो गया है, इट मींस कि अच्छे से पक रहा है। ये देखिए, तो ये पक गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने सूजी बॉल्स। तो हमने अपनी सूजी बॉल्स ऐड कर ली हैं। अब इसको धीरे से चलाएंगे, अच्छे से करके अच्छे से कर लिया। अब जैसे आपको मैंने बताया था कि इसमें हम सोया सॉस भी यूज करेंगे, तो हम जो सोया सॉस हमने लिया है उसको ऊपर से इसे डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इससे और भी अच्छा टेस्ट आएगा। और एक से दो मिनट इसको अच्छे से पका लेंगे ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। हाँ जी, तो अभी हम इसके ऊपर से कटी हरी धनिया डालेंगे। सारी की सारी सूजी बॉल्स रेडी हो गई हैं, तो उनको हम अपने एक प्लेट में अलग रखेंगे।
इसे साइड में रख देते हैं। हाँ जी, तो हमारी सूजी बॉल्स बनके रेडी हैं।